हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर प्रैक्टिस सेट्स लेकर आया हूं। और ये प्रैक्टिस सेट्स जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स है उन्हीं रूल्स में से मैंने बनाया हूं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। सो अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो मुझे आशा है उन क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द ब्रिज ब्लैंक अ रिवर। ऑप्शंस आर इज आर एम बी। इन चारों में से राइट आंसर है इज। इज इसलिए राइट आंसर है क्योंकि ये सेंटेंस अंडर द ब्रिज और रिवर एक इन्वर्टेड सेंटेंस है। करेक्ट वर्जन रिवर इज अंडर द ब्रिज होना चाहिए, लेकिन इसको उल्टा किया गया है अंडर द ब्रिज ब्लैंक और रिवर। अकॉर्डिंग टू रिवर आपका वर्ब लगता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो ये आपका सिंगुलर वर्ब लेता है। तो रिवर इज अंडर द ब्रिज, द वर्ड रिवर इज सिंगुलर, इसलिए इज यहाँ पर सही आंसर है। अंडर द ब्रिज ब्लैंक सेवरल रिवर्स। सो ऑप्शन आर इज आर एम डी। दिस वन इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। सेवरल रिवर्स प्लूलर में है, प्लूलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूलर वर्ब, यहाँ पे प्लूलर वर्ब लगेंगे। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट पे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैट ब्लैंक ऑन द मैट। ऑप्शन आर इज आर एम डी। इज करेक्ट आंसर है क्योंकि द कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटीज ब्लैंक लार्ज पॉपुलेशन। ऑप्शन आर हैव हैज एम बी। सो इनमें से करेक्ट आंसर है हैव। सब्जेक्ट द सिटीज प्लूलर सब्जेक्ट है, सो इसलिए यहाँ पर हैव प्लूलर वर्ब है, इस वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीजर्स ब्लैंक शार्प। ऑप्शन आर इज आर एम बी। सो करेक्ट आंसर इज क्योंकि ये एक प्लूलर नाउन विद सिंगुलर फॉर्म्स के कंसेप्ट में आता है। ये नाउन्स प्लूलर जैसा दिखता है लेकिन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सो इसलिए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द न्यूज ब्लैंक गुड। ऑप्शन आर इज आर एम बी। करेक्ट आंसर है इज, ये भी प्लूलर नाउन्स विद सिंगुलर फॉर्म्स कंसेप्ट में आता है। ये दिखता प्लूलर जैसा है लेकिन बट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैमिली ब्लैंक गोइंग ऑन वैकेशन। ऑप्शन आर इज आर एम बी। करेक्ट आंसर इज क्योंकि सब्जेक्ट द फैमिली कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर एंड द स्टूडेंट्स ब्लैंक वर्किंग टुगेदर। ऑप्शंस आर इज आर एम बी। करेक्ट आंसर इज आर क्योंकि सब्जेक्ट द टीचर एंड द स्टूडेंट्स कंपाउंड सब्जेक्ट है, इस वजह से कंपाउंड सब्जेक्ट टेक्स प्लूलर वर्ब, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरीज ब्लैंक फाइलिंग फॉर बैंक्रप्सी। सो ऑप्शंस आर इज आर एम बी। करेक्ट आंसर इज आर क्योंकि यहाँ पर द कंपनी एंड इज सब्सिडियरीज ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, यहाँ पर दो नाउन्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स में हम प्लूलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इस वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स ब्लैंक गोइंग टू द पार्टी। ऑप्शन आर इज आर एम बी। करेक्ट आंसर इज आर क्योंकि यहाँ पे द स्टूडेंट के बगल में जो एक इंटरवेनिंग फ्रेज कहते हैं इसे अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड्स, ये फ्रेज है, ये फ्रेज हमें प्लूलर का बोध कराता है, इस वजह से यहाँ पर हमें इस फ्रेज के साथ प्लूलर वर्ब का यूज करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ब्लैंक इन द गार्डन इज ब्लूमिंग। ऑप्शन आर इज आर एम बी। करेक्ट आंसर इज क्योंकि यहाँ पे व्हाट के साथ सिंगुलर वर्ब को एग्री करता है, क्योंकि गार्डन में क्या फूल रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो गार्डन में फूला जा रहा है, ठीक है, या जो कुछ भी है वहाँ पे, या तो प्लांट है या फ्लावर है। अगर देखोगे यहाँ पे इज ब्लूमिंग करके वर्ब फ्रेज है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कोई एक सिंगुलर चीज के बारे में बात हो रहा है, तो इस वजह से इज जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एवर ब्लैंक टू द स्टोर इज ऑन सेल। ऑप्शन आर गोस गो गोइंग वेंट। करेक्ट आंसर इज गो क्योंकि यहाँ पे व्हाट एवर के साथ गो इसलिए लगाया है क्योंकि स्टोर में जो कुछ भी जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर पे बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिल रहा है, बहुत सारे थिंग्स के विषय में हमें यहाँ पर बोध करा रहा है, तो इस वजह से गो सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एवर बुक ब्लैंक द मोस्ट वोट विंस द अवार्ड। ऑप्शन आर गेट्स गेट गेटिंग गॉट। सो करेक्ट आंसर है गेट क्योंकि यहाँ पे व्हिच एवर बुक जो है हमें एक प्लूलर चीज़ों के बारे में बोध करा रहा है, कोई भी बुक, ठीक है, एक बुक की बात नहीं हो रहा है, कोई भी बुक, बहुत सारे बुक के बारे में बात हो रहा है, तो इस वजह से प्लूलर वर्ब लेता है व्हिच एवर बुक। सो करेक्ट आंसर इज गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ब्लैंक मेनी बुक्स ऑन द सेफ। ऑप्शन आर इज आर एम बी। करेक्ट आंसर इज आर क्योंकि देयर के साथ हमें इसके सब्जेक्ट जो होता है वो पीछे होता है, जैसे यहाँ पर मैनी बुक्स जो है वो सब्जेक्ट है, इसको देखकर हमें वर्ब को लगाना होता है, तो मैनी बुक्स एक प्लूलर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ब्लैंक अ प्रॉब्लम विद द इंजिन। ऑप्शन आर
इज आर एंड बी. करेक्ट आंसर इज देयर के बाद जो सब्जेक्ट है वो अ प्रॉब्लम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर है इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द ऑप्शंस ब्लैंक करेक्ट. ऑप्शंस आर इज आर एम बी. करेक्ट आंसर है इज बहुत सारे ऑप्शंस में से एक वन और मेन सब्जेक्ट है. मेन सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर बॉब भी सिंगुलर लगता है, तो करेक्ट आंसर होता है इज एक सिंगुलर बॉब है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक अटेंडिंग द सेमिनार. ऑप्शन आर इज आर एम बी. करेक्ट आंसर इज आर बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर सिंगुलर की बात तो नहीं हो रहा है, ये प्लूलर ही है. बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कुछ कुछ में भी प्लूलर का चेंज आ रहा है, तो इस वजह से आर जो है करेक्ट आंसर है. अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द सेमिनार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनी ऑफ द बुक्स ऑन द सेफ ब्लैंक माइन. ऑप्शन आर इज आर एम बी. करेक्ट आंसर इज आर. यहाँ पर भी बहुत सारे बुक्स में से मैनी बुक्स मेरा है, तो मतलब एक तो नहीं है, मैनी का मतलब बहुत. सो यहाँ पर मैनी जो है प्लूलर की बात हो रहा है, तो इस वजह से प्लूलर ही बॉब लेता है, तो प्लूलर बॉब यहाँ पर आर है, तो इस वजह से आर करेक्ट आंसर है. मैनी ऑफ द बुक्स ऑन द सेफ आर माइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ब्लैंक गोइंग टू द पार्टी. ऑप्शन आर इज आर एम बी. करेक्ट आंसर है आर बहुत सारे एम्प्लॉय, तो बहुत सारे मतलब ये प्लूलर का सेंस दे रहे हैं, इस वजह से आर जो है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन अ लॉट ऑफ द पीपल इन द रूम ब्लैंक फेमिलियर विद द टॉपिक. ऑप्शन आर इज आर एम बी. करेक्ट आंसर है आर, क्योंकि अ लॉट ऑफ का मतलब भी प्लूलर ही होता है. यहाँ पर बहुत सारे पीपल, अगर वन होता तो सिंगुलर है, लेकिन ऑल आउट ऑफ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से इट टेक्स प्लूलर वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक गोइंग टू ग्रेजुएट. ऑप्शन आर इज आर एंड बी. करेक्ट आंसर इज आर, क्योंकि यहाँ पर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट के ग्रुप है, और उस ग्रुप में से कुछ बच्चे, तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी ये प्लूलर का सेंस देता है, इस वजह से आर इज करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट एंड सिंगर ब्लैंक डेथ. ऑप्शन आर इज बी एम. करेक्ट आंसर इज क्योंकि यहाँ पे पोएट एंड सिंगर एक ही पर्सन है. यहाँ पर द पोएट एंड द सिंगर नहीं है, ये पोएट ही सिंगर है, सिंगर ही पोएट है, ये दोनों एक ही इंसान होने के कारण यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एंड टू ब्लैंक फोर. ऑप्शन आर मेट बी मेक्स इज मेट. करेक्ट आंसर इज मेक्स. जब भी कभी दो आइडिया एक ही चीज को बता रहा हो, ऐसे सेंस में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर टू एंड टू एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई मेक्स इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही एज वेल एज हिज क्लासमेट ब्लैंक हार्ड वर्किंग. ऑप्शन आर एम आर इज एंड बी. करेक्ट आंसर इज. जब भी हमें एज वेल एज से कोई भी दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करता हुआ दिखा, तो यहाँ पर ऑलवेज जो पहला वाला फर्स्ट जो ही सब्जेक्ट है उसके साथ इसका अग्रीमेंट होता है बॉब के साथ, तो इस वजह से यहाँ पर ही के आधार पे सब्जेक्ट लगता है, तो करेक्ट आंसर इज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज क्लासमेट्स एज वेल एज ही ब्लैंक हार्ड वर्किंग. ऑप्शन ए एम आर इज बी. सिमिलर टू प्रीवियस वन, लेकिन यहाँ पे बॉब जो है आर होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में हिज क्लासमेट्स ये प्लूलर है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्जर टुगेदर विद द कैप्टन ब्लैंक लेफ्ट. ऑप्शन आर हैव हैज इज आर. करेक्ट आंसर इज हैज. जब दो सब्जेक्ट को टुगेदर विद से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे ऑलवेज सिंगुलर बॉब लेता है, तो करेक्ट आंसर इज हैज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई मेट रोहन हु ब्लैंक ऑफ स्कूल बॉय. ऑप्शन आर आर वर इज एम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे हु जो है रोहन के लिए यूज हो रहा है, तो रोहन एक सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है, सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर बॉब, सिंगुलर बॉब इज है, तो इस वजह से इज करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्यूरी ब्लैंक डिवाइडेड देयर ओपिनियंस. ऑप्शन हैज हैव वाज वर. करेक्ट आंसर इज वर, क्योंकि ये एक कलेक्टिव नाउन है द ज्यूरी. ज्यूरी जो है अपने ओपिनियन डिवाइड करके ओपिनियंस दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमें वर का प्रयोग करना होता है. कलेक्टिव नाउन में जब सब्जेक्ट इंडिविजुअली कोई भी चीज करे, तब हमें प्लूलर वर्ब का यूज करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई अंकल और माई आंट ब्लैंक अराइविंग टू नाइट. ऑप्शन आर इज आर वॉज एम. करेक्ट आंसर इज, क्योंकि यहाँ पे जब भी और या नीदर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा जाता है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जो वर्ब के पास वाला मीन जो आंट है यहाँ पे, ये वर्ब के पास है, तो इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, इस वजह से आंट एक सिंगुलर है,
इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीदर सी नॉर आई ब्लैंक गोइंग टू द फेस्टिवल। ऑप्शन आर इज आर वॉज एम। करेक्ट आंसर इज, मैं चाहता हूँ आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बनाइए। अगर नहीं आ रहा है इसका आंसर तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग आइए, मैं वहाँ पे इसका आंसर पेस्ट कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।